Hello friends, I am Nishant Kumar here to discuss about the basic science and engineering drawing topics, IT literature and electronics trade branch में आपको logic gate जो discuss करने वाला हूँ आपको part A में IT literature के अंदर भी आता है और part B में electrical electronics सबके लिए है. ठीक है, तो आज से मैं electronics का पूरा course start कर रहा हूँ, तो please आप इसको बने रहें. और मैं अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों को भी रिकमेंड करें कि मेरे चैनल का आप पार्ट बने. मैं इस वीडियो को आपको देखने से पहले सजेस्ट करूंगा कि अगर आप इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स वायरमैन इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स रेडियो एंड टीवी अगर आपने फिलअप किया है डिपार्टमेंट ट्रेड तो आप प्लीज़ इस वीडियो को देखें. और इससे पहले आप इलेक्ट्रिकल वाले जो प्लेलिस्ट मैंने बना रखा है उसको जाकर आप देख लें. तो चलिए हम ज़्यादा समय बर्बाद न करते हुए आगे बढ़ते हैं और आज हम बात करेंगे लॉजिक गेट की. लॉजिक गेट का डिस्कस करेंगे. देखिए लॉजिक गेट अगर देखा जाए तो क्या है जी, लॉजिक गेट एक क्या है जी, हमारा सर्किट है. क्या है जी, डिजिटल सर्किट होता है. लॉजिक गेट क्या होता है जी, हमारा एक डिजिटल सर्किट होता है. बात की जाए तो देखिए इसमें लिखा हुआ है जो किस पे काम करता है, तो बुलियन अलजेब्रा पे काम करता है. देखिए लॉजिक गेट बुलियन बीजगणित पर आधारित है. बुलियन बीजगणित एक लॉजिकल प्रणाली होता है जी, बीजगणित तथा बाइनरी संख्या है. और इसमें कौन सा यूज किया जाता है, तो बाइनरी नंबर यूज किया जाता है बुलियन में जी. बुलियन प्रणाली चार रिशियों के केवल दो अवस्थाएं होती है, जीरो और वन प्रदर्शित करते हैं, जीरो और वन. तो अगर बात की जाए कि कोई भी कंप्यूटर में आपको पूछा जाता है कि कौन कौन से लॉजिक यूज किए जाते हैं, तो आपको कौन कौन से यूज किया जाते हैं डिजिट जी, जीरो और वन में किया जाता है. जीरो लॉजिक का मतलब होता है नो या लो या ओपन या इनएक्टिव या अब्सेंट या डाउन या फॉल्स या ऑफ या निगेटिव. ठीक है, जीरो का मतलब इतना हो सकता है. जैसे अगर आप मान लीजिए आप स्विच ऑन ऑफ करते हो, तो स्विच ऑन ऑफ करते हो तो क्या हो जाए, ऑफ हो गया. ठीक है जी, अगर बात करें वोल्टेज में तो आप हाई वोल्ट लो वोल्टेज की बात करते हो तो क्या है, लो वोल्टेज हो जाएगा जी, जीरो. ठीक है, अगर सर्किट की बात कर रहे हैं तो सर्किट ओपन है या क्लोज है, तो सर्किट जब ओपन होगा तो क्या हो जाएगा, जीरो. ठीक है जी, तो ये साइन है हमारा, ये सब लो नो ओपन इनएक्टिव अपसेंट डाउन फॉल्स ऑफ नेगेटिव. सो कौन कर सकता है जी, तो जीरो करता है. वन क्या करता है, यस हाई क्लोज एक्टिव प्रेजेंट अप ट्रू ऑन और पॉजिटिव. लॉजिक वन क्या करता है जी, यस हाई क्लोज एक्टिव प्रेजेंट अप एंड ट्रू ऑन और पॉजिटिव. बात की जाए बुलियन बीजगणित में सत्य और प्रेजेंट के लिए वन का व्यवहार किया जाता है जी. ट्रू करने के लिए क्या जी, सत्य और या प्रेजेंट है तो उसके लिए क्या करेंगे जी, वन सिंबल शिफ्ट करेंगे. बुलियन बीजगणित में असत्य नहीं है, असत्य या नहीं है अब्सेंट के लिए क्या करेंगे, जीरो. वही बोल रहा है कि जीरो वन का कहाँ कहाँ यूज करेंगे. चलिए कुल मिलाकर बात यह है कि लॉजिक गेट क्या होता है जी, एक डिजिटल सर्किट है जो हमारे एप्लीकेशन को क्या करता है जी, फुलफिल करता है, वेरीफाई करता है, उसको सक्षम बनाने में क्या करता है जी, हमारा हेल्प करता है. तो लॉजिक सर्किट कुछ ऐसा है, लॉजिक गेट नहीं है कि आपको गेट से लग रहा होगा कि कुछ गेट घर का गेट वगैरह ही नहीं है. एक गेट क्या है जी, एक अगर बात की जाए कि एक आईसी वगैरह आपने देखा होगा, तो उस आईसी में आपको लाखों करोड़ों लॉजिक गेट मिलकर एक आईसी को बनाते हैं जी, एक चिप को बनाते हैं. एक छोटा छोटा भी चिप भी क्या होता है, 10^9 लॉजिक गेट्स मिलकर बनते होते हैं. लॉजिक गेट आपको ट्रांजिस्टर से बना होता है. हम लोग ट्रांजिस्टर पहले हम लोग डायोड पढ़ेंगे, ट्रांजिस्टर पढ़ेंगे, तो आप ट्रांजिस्टर वाले में एक आध छोटे छोटे सिंपल हम लोग वहाँ पे लॉजिक गेट भी बनाते हैं जी. ठीक है, इसको ज़्यादा डीप में नहीं पढ़ना है और आईटीआई में तो खास तौर से नहीं पढ़ना है. इंजीनियरिंग सर्विसेज और गेट के एग्जाम में थोड़े से डीप में इसको पढ़ना भी है. चलिए आगे बढ़ते हैं. तो अगर बात की जाए तो बेसिक कौन कौन से गेट होते हैं, कौन कौन से लॉजिक गेट है जी, तो बेसिक देखिए हमारे कौन कौन से लॉजिक गेट है, तो नॉट है और है एंड है. ये गेट जो है आधारी गेट है, आधारी मतलब बेसिक गेट है जी. ठीक है, बात की जाए लॉजिक गेट में तो एक देखिए एक लॉजिक गेट यहाँ पे आप सिंबल देख पा रहे होंगे लॉजिक गेट यहाँ पे, तो ये क्या है इनपुट है, ये क्या है जी आउटपुट है. तो मैं बोला लॉजिक गेट में एक से एक या एक से अधिक क्या हो सकता है इनपुट हो सकता है. देखिए यहाँ पे एक इनपुट है, यहाँ पे क्या है जी दो इनपुट है, तो एक से या एक से अधिक इनपुट हो सकता है. आउटपुट हमेशा एक ही होता है. आउटपुट क्या होता है जी, हमेशा एक होता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि उसे क्योंकि गलत लिखा गया यहाँ पे. आउटपुट अगर देखा जाए तो एक नहीं होता है जी, कोई कोई गेट है जिसके आउटपुट क्या होते हैं, मल्टीपल्स होते हैं. यहाँ पे गलत लिखा हुआ है. जैसे मैं आपको बता दूं कि एक्सनोर गेट में ही क्या होते हैं, दो दो होते हैं जी, ये ज्यादा नहीं बता रखा है. नहीं तो इंजीनियरिंग सर्विसेज वगैरह में जब पढ़ाते हैं हम लोग वहाँ पे, तो वहाँ पे क्या पढ़ते हैं जी, वहाँ पे दो दो आउटपुट लिए जाते हैं, तीन तीन आउटपुट लिए जाते हैं, तो ये
फॉल्ट है यहाँ पे लिखा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नॉर गेट। तो देखिए नॉर गेट जो है, कुछ गेट क्या होता है, बेसिक गेट है जो, और गेट, नॉर गेट, एंड गेट। अब कुछ क्या है जी, यूनिवर्सल गेट है। जैसे कौन कौन से गेट है जी, तो नैंड है, नॉर गेट है जी। नैंड गेट और नॉर गेट क्या है जी, यूनिवर्सल गेट बोला जाता है इसको। नैंड और नॉर गेट को क्या बोला जाता है, यूनिवर्सल गेट बोला जाता है। यह पॉइंट एकदम याद करके रखिएगा, क्या बोला जाता है जी, यूनिवर्सल गेट बोला जाता है, क्योंकि इसकी सहायता से सभी गेट बनाए जा सकते हैं। इसको यूनिवर्सल गेट इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसकी हेल्प से क्या किया जाता है, सभी को बनाया जा सकता है। सभी गेट को, आप बेसिक गेट बनाना हो या उससे ज्यादा वाले गेट को बनाना हो, सबको क्या कर सकते हैं जी, इससे हम लोग बना सकते हैं। मैं इसको थोड़ा सा जूम करूंगा, थोड़ा सा टाइम आपका लैप्स होगा। चलिए तो हम बात करते हैं, बात की जाए नैंड और नॉर गेट की हेल्प से हम क्या बना सकते हैं, नॉर भी बना सकते हैं, और भी बना सकते हैं, एंड भी बना सकते हैं, और भी जो हमको रिक्वायरमेंट होगा हम उसको बना सकते हैं। किस किस गेट से थे, एंड और गेट से, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, यूनिवर्सल गेट कहा जाता है। और ये नॉट गेट, और गेट, एंड गेट क्या है, बेसिक गेट है क्या जी, आधारभूत गेट है, फंडामेंटल गेट है, तो इसको आधारिक गेट कहा जाता है। बात की जाए कि अब नॉर गेट बनाया कैसे जाता है, तो नॉर गेट बनाया कैसे जाता है, क्योंकि अगर इससे हम सब कुछ बना सकते हैं तो नॉर गेट पहले बनाते कैसे हैं, पहले ये तो जानना होगा जी। तो नॉर गेट बनाने के लिए देखिए, नॉर में क्या छुपा है, नॉट छुपा है, और छुपा है, तो और गेट और नॉट गेट को जब संयोग करेंगे तो क्या मिल जाएगा, नॉर गेट मिल जाएगा। देखिए नॉर में ही क्या है जी, नॉट है और है, तो और गेट पहले लगाएंगे बाद में नॉट गेट लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, नॉर गेट हो जाएगा। नैंड गेट में देखिए क्या जी, नॉट गेट है, एंड गेट है, नॉट गेट है, एंड गेट है, तो नॉट एंड, एंड गेट के बाद क्या लगा देंगे, नॉट लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, नैंड गेट हो जाएगा। तो यहाँ से देख सकते हैं कि हमको नैंड नॉर बनाने के लिए कैसे करते हैं। अब क्या करेंगे जी, एक एक करके हम लोग सभी गेट के बारे में पढ़ेंगे, नॉट गेट, और गेट, एंड गेट, क्या लॉजिक है, क्या इसका सिंबल है, ठीक है जी। मैं बता देना चाहूंगा, जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन चैप्टर है, आपको उसमें पूछा जाएगा एंड गेट, नॉर गेट, नैंड गेट के सिंबल क्या होते हैं। तो प्लीज फर्स्ट पार्ट के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ये आईटी लिटरेसी जो आपको लिखा हुआ है टॉपिक, उसमें भी आता है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में भी कुछ इसके पार्ट आएंगे, और इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, वायरमैन और रेडियो टीवी वाले जो ब्रांच वाले हैं, प्लीज इसको ध्यान से पढ़ेंगे, क्योंकि ये लॉजिक गेट क्या है जी, हमारा कंप्यूटर सिस्टम का ही है। आपको उसमें भी पता है कि आपको क्या लिखा गया था, इनपुट आउटपुट डीसी एसी आउटपुट लिखा गया था, वो इसी टॉपिक से रिलेटेड, डिजिटल जो सर्किट बताया गया है, ये डिजिटल सर्किट ही है हमारा, क्या है, लॉजिक गेट क्या है जी, डिजिटल सर्किट ही है। बात की जाए सिंबल, देखिए नॉट गेट की बात करें तो नॉट गेट में देखिए ऐसा सिंबल रहता है, यहाँ पे जीरो लगा दिया जाता है जी, इसका मतलब नॉट हो गया। अगर ए देंगे तो उसका अपोजिट मिलेगा, इसका मतलब क्या हो गया जी, अगर इनपुट जीरो देंगे तो आउटपुट में क्या मिलेगा, उसका उल्टा मिलेगा, क्या मिलेगा, वन मिलेगा। अगर वन देंगे तो क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। अब देखिए ये बुलियन अल्जेब्रा हमारा इंक्लूड हो रहा है, ये हमारे बुलियन अल्जेब्रा जो है जीरो और वन इंक्लूड करता है। तो देखिए अगर इनपुट वन दे रहे हैं तो क्या मिल रहा है, आउटपुट उसका उल्टा जीरो होता है, जीरो का उल्टा वन होता है, वन का उल्टा जीरो होता है। तो यहाँ पे अगर जीरो दिए हैं तो आउटपुट क्या मिलेगा, वन मिलेगा। अगर वन इनपुट देंगे तो उसका उल्टा जीरो होता है, किस गेट के लिए, तो नॉट गेट के लिए। ये नॉट गेट के लिए क्या होता है जी, उल्टा होता है, इसलिए इसको हम लोग ध्यान रखेंगे। तो हमारा जो ए अगर हमने इनपुट दिया है तो आउटपुट में क्या मिलेगा जी, ए बार मिलेगा। ए बार का मतलब क्या होता है जी, अगर जीरो पे बार लगाएंगे तो वन मिलेगा, वन पे बार लगाएंगे तो क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। सर्किट डायग्राम की बात करें, सर्किट डायग्राम कैसे बनाते हैं, तो सर्किट डायग्राम में नॉट गेट को देखें, ये वोल्ट सोर्स लगाए कि मेरा वोल्टेज है, ठीक है जी, बैटरी है, वोल्टेज सोर्स लगा है। देखिए इस गेट को अगर शॉर्ट कर दिया जाएगा, देखिए अगर यहाँ से वोल्टेज दे रहे हैं, इस गेट को अगर क्या किया जाएगा, क्लोज कर दिया जाएगा, तो क्या हो जाएगा, करंट यहीं से पास हो जाएगा ना, क्योंकि यहाँ पे रजिस्टर हाई है, यहाँ पे रजिस्टर लो है, तो इससे पास हो जाएगा। क्योंकि आपको भी पता है करंट किधर से फ्लो होता है, लो रेजिस्टेंस सर्किट से फ्लो होता है, ना कि हाई रेजिस्टेंस। तो लो रेजिस्टेंस सर्किट ये है, यहाँ से करंट पास हो जाएगा तो ये बल्ब नहीं जलेगा, बल्ब नहीं जलेगा। लेकिन अगर बात किया जाए अगर इसको, तो इसका मतलब हुआ कि अगर वोल्टेज हमने दिया तो आउटपुट में क्या मिला जी, हमारा जो बल्ब जलने था नहीं जला ना, तो आउटपुट क्या रहा, हमने इनपुट वन दिया, हाई दिया, लेकिन आउटपुट क्या मिला, जीरो मिला। जब बॉल नहीं चला तो किसका मतलब क्या, जीरो मिला, ठीक है। अब देखिए दूसरा केस लेते हैं, अगर इस सर्किट को क्लोज करते हैं जी, सर्किट को क्लोज करते हैं
सर्किट को अगर ओपन कर देते हैं, ओपन का मतलब क्या हुआ जी, जीरो करना है, तो इसको ओपन कर दिए तो इसका मतलब क्या होगा जी, ये ओपन है तो इधर से करंट तो जाएगा नहीं, करंट कहाँ से जाएगा, इधर से ही जाएगा। जब करंट इधर से जाएगा तो क्या होगा जी, बल्ब जल जाएगा। जब हमने इसको ओपन रखा, ओपन मतलब क्या रखा जी, जीरो रखा, जीरो रखा तो क्या मिला, बल्ब जल गया जी, वन। तो आप सब समझ सकते हैं कि इतना सर्किट, आप किसी बच्चों को लग रहा होगा कि मैं ज़्यादा डीप में पढ़ा रहा हूँ, तो जी इतना ही लॉजिक समझना होगा, क्योंकि आपको क्वेश्चन इतना ही लॉजिकल आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके नॉट गेट के बारे में कुछ हम पढ़ लेते हैं जी। इसको इन्वर्ट गेट भी कहा जाता है, नॉट भी गेट कहा जाता है जी। इन्वर्सर, इन्वर्ट मतलब क्या होता है, उल्टा हो जाना, क्या होता है जी, इन्वर्ट मतलब उल्टा हो जाना। ठीक है जी, या कॉम्प्लीमेंट गेट भी कहा जाता है इसका। इसका उपयोग कॉम्प्लीमेंटेशन करने में किया जाता है। किस में किया जाता है, तो कॉम्प्लीमेंटेशन का मतलब क्या है जी, अगर मान लीजिए कोई ए है, उसके ऊपर बार लगा दीजिएगा, क्या बोलिएगा, कॉम्प्लीमेंट बोलिएगा, क्या बोलिएगा, कॉम्प्लीमेंट बोलिएगा। अगर जीरो का देखिए, अगर मेरे पास ए है, ये मेरे पास ए बार है, यानी ए जीरो है, तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, वन। अगर ए वन है तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, जीरो। तो हम लोग कॉम्प्लीमेंट को ए बार से डिनोट करते हैं। ए इसको क्या पढ़ते हैं जी, ए बार, क्या पढ़ते हैं, ए बार, या ए डैश से भी कहीं दिया जा सकता है। जैसे इसको कहीं कहीं ए डैश भी दिया जाएगा, ठीक है ना, तो उसका मतलब सेम ही है, ए बार और ए डैश का मतलब। ठीक है, तो हम लोग इन्वर्ट गेट को किस में यूज करते हैं जी, तो कॉम्प्लीमेंट करने के लिए यूज करते हैं, यानी जीरो को वन तथा वन को जीरो बदलने के लिए करते हैं। इसमें एक ही इनपुट होता है और एक ही क्या है जी, आउटपुट है। देखिए इसमें एक ही इनपुट है, एक ही क्या है, आउटपुट है। इस गेट को क्या बोलते हैं जी, एक ही इनपुट है देखिए और एक ही आउटपुट है। तो प्लीज अब आगे बढ़ते हैं जी, और गेट, और गेट में आते हैं। तो और गेट में नाम से ही पता चल रहा है, और मीन्स क्या होता है जी, देखिए हमको बता देते हैं, और मीन्स क्या होता है, एडिशन, क्या होता है जी, एडिशन। और मिस क्या होता है जी, एडिशन, और मिस क्या होता है जी, एडिशन। देखिए हमने इनपुट ए और बी दिया, आउटपुट में क्या मिलेगा जी, आउटपुट में क्या मिलेगा, आउटपुट में मिलेगा ए प्लस बी, मतलब क्या है जी, एडिशन मिला ना। तो हम लोग क्या लिखेंगे, बुलियन फॉर्मूला होगा वाई बराबर ए प्लस बी। अब देखिए बुलियन अलजेब्रा का कैलकुलेशन बहुत ही अलग तरह से होता है, इसको बात को आप समझने की कोशिश कीजिएगा। बुलियन अलजेब्रा का कैलकुलेशन आपको नॉर्मल अलजेब्रा की तरह नहीं होता है। जैसे यहाँ पे देखिएगा, बुलियन अलजेब्रा अगर मान लीजिए कि इनपुट हमारा क्या है जी, ए और बी, दो इनपुट है, इनपुट एक दो से भी ज़्यादा भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है, चार भी हो, लेकिन हम लोग दो पे ही पढ़ रहे हैं, क्योंकि सिंपल होगा कैलकुलेशन, क्या होगा जी, आसान होगा, इसलिए हम लोग दो पे पढ़ रहे हैं। अगर इससे ज़्यादा लेंगे तो हम लोग क्या आ जाएगा, परेशानी हो जाएगी, इसलिए हम लोग दो को ही लेकर चल रहे हैं। अब बात की जाए, इनपुट मेरा ए और बी है, आउटपुट मेरा वाई है, तो देखिए इनपुट ए ए भी जीरो लिए, बी भी जीरो लिए, इसको जीरो रहने दिए, इसको वन रख दिए, इसको वन किए, इसको जीरो किए, वन वन, यानी कितना पॉसिबल इनपुट किस क्या होगा, चार होगा जी। दो का पावर क्या होता है, दो इनपुट है, ये ए क्या हो जाएगा, इनपुट ऊपर रहता है, तो दो का पावर दो क्या हो जाएगा जी, दो का पावर दो चार हो जाएगा। अगर मान लीजिए तीन इनपुट रहेगा तो दो का पावर इनपुट, तो दो का पावर तीन क्या हो जाएगा, तो आठ इनपुट हो जाएगा। ठीक है जी, यहाँ समझिए, तो हमारा दो इनपुट हुआ था, चार इनपुट हो गया, पॉसिबल केस चारों केस लेंगे तो जीरो जीरो, जीरो वन, 1011। चलिए अब तो मान लीजिए इनपुट हो गया, आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट हमने क्या बोला था जी, इसके लिए और गेट का मतलब क्या होता है, और मीन्स एडिशन, और एंड मीन्स क्या होता है जी, मल्टीप्लाई। ये यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, और मीन्स एडिशन होता है। इस बुक में मैं बता रहा हूँ कि बहुत सारी गलती है इस बुक में, मैं आपको बता रहा हूँ, इलेक्ट्रिकल में भी मैंने पढ़ाया है, बहुत सारी गलती देखने को मिली है। तो प्लीज़ दोस्तों आप इसे संभल के रहिएगा, और मैं इसीलिए इस सीरीज स्टार्ट किया हूँ कि जो भी गलती है, ये बुक बहुत जल्दी जल्दी में ही प्रिंट किया गया है, तो इसमें बहुत सारी गलती है और लॉजिक भी आपको समझने में क्लियर नहीं होगा, इसलिए मैं ये सीरीज स्टार्ट किया हूँ। प्लीज़ आप अपने दोस्तों को भी रिकमेंड करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और वीडियो में डेली सुबह में और एक शाम में मैं क्या करता हूँ, अपडेट करता हूँ, तो प्लीज़ आप आके उसको देख सकते हैं। और मैं अभी प्रीमियम भी वीडियो को कर देता हूँ, जिसे आप लाइव भी देख सकते हैं और मुझसे चैट कर सकते हैं। प्रीमियम में लाइव करने से पहले मैं 2-3 घंटा पहले क्या कर सकता हूँ जी, वीडियो को प्रीमियम कर देता हूँ, जिससे आप लाइव क्लासेज भी अटेंड कर सकते हैं। अभी जो बच्चे इलेक्ट्रॉनिक्स का आज पहला अगर दिन है, तो प्लीज़ आप इलेक्ट्रिकल वाला जो प्लेलिस्ट है उसको भी जाकर देखें और समझें, क्योंकि ये सब तभी समझ में आएगा जब आप इलेक्ट्रिकल वाले पोर्शन समझे रहेंगे। ऐसे इस वाले पोर्शन में लिंक नहीं है, लेकिन अगला जो टॉपिक मैं पढ़ाऊंगा वो इलेक्ट्रिकल से लिंक रहेगा। बात करते हैं, देखिए 0 + 0 क्या होता है जी, 0 होता है, और 0 + 1 1 होता है, अब 1 + 0 1 होता है। अब 1 + 1 क्या होता है जी, 2 नहीं होता है। यहाँ पे अलजेब्रा में मतलब क्या है जी, 1 + 1 क्या होता है, 1 होता है। 1 + 1 क्या होता है जी, 1 होता है। देखिए ए
प्लस बी को ऐड करना है जी, ठीक है ना। तो यहाँ से देख सकते हैं यहाँ पे क्या किया गया, 1 + 1 0 होता है जी, क्या होता है, सॉरी ए प्लस बी करना है ना, 1 + 1 क्या होता है जी, 1 होता है, ठीक है। तो ये देखिए एडिशन क्या है जी, हमको ये समझना पड़ेगा, 1 + 1 क्या होता है जी, गलत लिखा हुआ है, 1 + 1 0 होता है जी, 1 + 1 क्या होता है जी, 0 होता है। यहाँ पे एडिशन है, इसने क्या किया ए डॉट बी वाला का कैलकुलेशन कर रखा है, ठीक है जी। ये देखिए आप अगर 1 + 1 यानी 2 हुआ जी बाइनरी, तो बाइनरी में 2 को कैसे लिखते हैं, 1 + 1 का मतलब 2 हुआ बाइनरी में, तो बाइनरी में 2 को क्या लिख सकते हैं, 1 और 0 लिखते हैं, तो ये 0 ही आएगा, 1 नहीं आएगा, 1 कैरी चला जाएगा, तो यहाँ पे 0 होगा। इसने ए डॉट बी के अनुसार से कैलकुलेशन कर रखा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे कैलकुलेशन ए डॉट बी नीचे जो कर रखा है यहाँ पे, यहाँ और यहाँ पे क्या कर रखा है, सेम रखा है, तो यहाँ से समझ सकते हैं। हाँ तो अब आते हैं सर्किट डायग्राम, सर्किट डायग्राम दीदी देखिए दिखा रखा है, नहीं सॉरी ये आपको 1 है, सॉरी 1 + 1 क्या होता है जी, 1 होता है, बाइनरी नंबर नहीं है, बुलियन अलजेबरा है। मैं कंफ्यूजन मत लीजिएगा, मैं बोल रहा हूँ कि ये बुलियन अलजेबरा है, मैं खुद कंफ्यूजन में आ रहा हूँ, ये बुलियन अलजेबरा है, तो 1 + 1 क्या होगा, 1 होगा। देखिए आप सर्किट बनाए हैं, हम लोग यहाँ पे कौन सा सर्किट बनाया है जी, तो और गेट का बनाए, और गेट का, अगर मान लीजिए किसी में से ये सर्किट है, अगर एक भी स्विच इसमें से अगर क्लोज कर दीजिए, पहला स्विच क्लोज किया जाएगा तो सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, बल्ब जल जाएगा, तो एक भी कोई ऑन रहे, एक भी कोई ऑन रहे या दोनों ऑन रहे तो भी क्या होगा, सर्किट तो क्लोज रहेगा बल्ब जलेगा ही, तो दोनों ऑन रहेगा तो भी और बल्ब जलेगा, अगर एक भी ऑन रहेगा दोनों में से कोई एक भी ऑन रहेगा तो भी ऑन रहेगा, अगर दोनों ही ऑफ रहे, दोनों ही खुला हुआ है, 0 0 है, तो क्या हो जाएगी, बल्ब नहीं जलेगा, तो नहीं जलेगा, 0, इससे समझ सकते हैं, ठीक है। ये बुलियन अलजेब्रा है, बुलियन अलजेब्रा थोड़ा समझने में दिक्कत हो सकती है मैं मानता हूँ, लेकिन बुलियन अलजेब्रा का कैलकुलेशन नॉर्मल अलजेब्रा के कैलकुलेशन से बहुत ही भिन्न होता है। ये आपको इलेक्ट्रिकल ऐसे भी इलेक्ट्रॉनिक्स वालों को ही मेजर पोर्शन पढ़ना है, लेकिन कंप्यूटर साइंस में भी आ सकता है जी। चलिए अब बात करते हैं एंड गेट की, एंड गेट में देखा जाए तो एंड गेट को देखिएगा, मैं बता दूं कि ये प्लेटफॉर्म वाली जो बुक आती है, मैं उसी बुक को पढ़ा रहा हूँ, उसी को रेफरेंस मान रहा हूँ, ठीक है। आप अगर चाहें तो कोई भी बुक रेफरेंस ले सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं एंड गेट, जो मेरा तीसरा गेट है, कौन सा गेट है जी, एंड, एंड का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, क्या होता है, मल्टीप्लाई, और का मैंने एडिशन बताया था, एंड का मल्टीप्लाई बताया, तो ए और बी का क्या है जी, एंड मीन्स क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो आउटपुट में जो मिला क्या मिला, ए डॉट बी मिला। देखिए इनपुट किस मेरा क्या हो जाएगा, ए और बी इनपुट है, आउटपुट मेरा क्या है जी, वाई है। ये अब इनपुट में किस कितने बन जाए, 2 इनपुट लिए हैं तो 4 इनपुट किस बन जाएगा, आउटपुट में 4 आएगा। चलिए अब देखते हैं जी, अगर दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो 0 0 मल्टीप्लाई होकर 0 होता है, 0 1 मल्टीप्लाई होकर 0 होता है, 1 0 मल्टीप्लाई होकर 1 होता है, 1 + 1 1 + 1 मल्टीप्लाई होकर 1 होता है। देखिए इसमें नॉर्मल अलजेब्रा बुलियन अलजेब्रा कोई डिफरेंस नहीं था, लेकिन और गेट में था जी, ठीक है। अब इस किस सर्किट डायग्राम बात की जाए तो सर्किट डायग्राम कैसा हो जाए, इसका सर्किट डायग्राम ऐसा होता है, कैसा होता है, तो ऐसा होता है जी सर्किट डायग्राम, देखिएगा किसका है जी, एंड गेट का है, एंड गेट है। देखिए इसमें क्या है जी, स्विच सीरीज में, अगर मान लीजिए इस स्विच को क्लोज कर दिया जाए, इस स्विच को अगर दोनों ओपन है तो क्या बल्ब जलेगा, नहीं जलेगा, दोनों ओपन है तो बल्ब जलेगा, नहीं जलेगा। एक स्विच को क्लोज कर दूं, एक स्विच को मैं क्लोज कर रहा हूं जी, एक किसी एक को अगर स्विच को क्लोज करूंगा तो क्या होगा, सर्किट कंप्लीट होगा, नहीं होगा, बल्ब नहीं जलेगा। इसके लिए दोनों स्विच क्लोज करना पड़ेगा, दोनों स्विच जब क्लोज होगा तो बल्ब क्या होगा जी, जलेगा। तो दोनों स्विच क्या हो जाएगा, क्लोज रहेगा तो बल्ब क्या हो जाएगा, जलेगा, ठीक है जी। तो आप समझ सकते हैं कि 0 1 का हमने उतना सारा जो लॉजिक पढ़ा था कि नो हाई ओपन एक्टिव, तो क्या है जी, यहाँ पे ग्लो करने की सिंबल है, हाई प्रेजेंट है कि नहीं है, ट्रू है या फॉल्स है, ऑफ है, स्विच ऑन है, तो ये क्या है, ऑन स्विच है। यहाँ पे स्विच ऑन ऑफ का सिंबल दिखा रहा है, यहाँ पे बल्ब का क्या है जी, ऑन ऑफ का दिखा रहा है कि क्या है, ये ऑफ है या ऑन है। तो इसे समझ सकते हैं कि हमने वो, हम ऐसा जरूर नहीं है कि हम 1 0 1 ऐसा ही ले, ये डिपेंड करता है प्रोग्रामर पे भी डिपेंड करता है कि वो निगेटिव और हाई लो अपने सुविधा के अनुसार भी ले सके, क्योंकि तो जब कोडिंग वगैरह किया जाता है तो उसमें ये माइक्रो प्रोसेसर जो कोडर है उसी पे डिसाइड रहता है कि वो क्या लेना चाह रहा है, और उसमें जो बहुत सारी लिमिटेशंस होती हैं, क्या लिमिटेशंस होती हैं, तो सर्किट का आपको रेजिस्टेंस लिमिटेशन होता है, करंट का डायरेक्शन होता है, बहुत सारे लॉसेज होते हैं, उसको भी ध्यान में रखना होता है, कहाँ यूज करना है, कितनी एक्यूरेसी रखनी है। अगर मान लीजिए स्पेस में यूज करना है तो हम कोई कंप्रोमाइज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि स्पेस से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती है
परफेक्ट एक्यूरेट होती है, हाई डील की होती है। आपको भी पता है कि जो भी हमारे कंट्री में सुरक्षा डील होता है, स्पेस का डील होता है, वो क्या होता है, बहुत महंगा होता है। बहुत ही क्या होता है जी, महंगा होता है। वो इसलिए महंगा होता है कि वो टेम्परेचर से वेरी ना करे, स्पेस में जाने के बाद फेल ना हो, क्योंकि दोबारा हम सेटेलाइट के पास नहीं जाके बदल सकते उस इक्विपमेंट को। अब मान लीजिए हमारे बॉडी पार्ट में कुछ आईसीयू वगैरह, पेस मेकर वगैरह लगाया गया, तो क्या हम उसको बार बार निकाल के हार्ट में फिर से लगा सकते हैं क्या? दोबारा नहीं लगा सकते हैं। तो इसलिए एक बार अगर बैटरी लगा दिए अंदर, तो हार्ट के अंदर हमेशा रहना चाहिए। अब आदमी बीच में ही मर जाएगा, नहीं तो बैटरी कल, अगर कल बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगा तो कल ही हार्ट क्या कर जाएगा, काम करना बंद कर देगा। तो ऐसे में क्या होता है जी, हमें बैटरी की क्षमता है, उसके अलावा सर्किट का है क्या है जी, कि कम से कम ही बैटरी खर्च में क्या रहे, वो चलता रहे। क्योंकि अगर ज्यादा बैटरी कंज्यूम करेगा तो क्या हो जाएगा, फिर से हार्ट, ऐसा थोड़ा ना कि 2 दिन बाद फिर से उसको ऑपरेशन करोगे निकाल के, नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है जी ऐसा। तो इसलिए क्या होना चाहिए, वो ड्यूरेबल होना चाहिए। तो ये सब भी फैक्टर डिसाइड करता है, ना कि केवल हमारा, ये सब फैक्टर डिसाइड करता है। तो सर्किट कैसा बनना है, जीरो हाई लेना, वो सब क्या होता है, कोडर पे डिपेंड करता है। थोड़ा हाई हो रहा है लेकिन कोई बात नहीं, आप लॉजिक समझते रहिए। अगर वीडियो को न समझ में आए तो दोबारा इसको फिर से आप रिवीजन करते रहिएगा, और स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जिससे कि पीडीएफ को आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं तो आपको रिकमेंड करूँगा कि आप प्लीज़ इस बुक को ही खरीद लें। चलिए, बुक का ज़्यादा कॉस्ट है भी नहीं, बुक का आपको शायद 80 रुपये 60 रुपये कॉस्ट ही है। इस सीरीज देखिए, ये क्या था मेरा, सीरीज गेट था जी, इसमें सीरीज में गेट था। इसमें इनपुट कितने थे जी, इनपुट बोल रहा है कि जब दोनों इनपुट हाई रहेगा तो आउटपुट क्या मिलेगा, हाई मिलेगा। अगर एक भी इनपुट लो रहेगा तो क्या मिलेगा जी, आउटपुट हमको लो मिलेगा। अब एक भी इनपुट लो रहने पर आउटपुट क्या मिलेगा जी, नहीं मिलेगा, आउटपुट हाई नहीं मिलेगा। चलिए अब बात करते हैं, हमने बेसिक गेट के पढ़ा कौन कौन सा जी। तो हमने बेसिक गेट में पढ़ा नॉट गेट, और गेट, एंड गेट। अब हम लोग बेसिक गेट के अलावा दो और गेट पढ़े थे, कौन से पढ़े थे जी, नैंड नॉर। कौन सा, इन्वर्सल गेट पढ़े थे। इन्वर्सल गेट कौन सा था जी, तो नॉर एंड नैंड इन्वर्सल गेट था। अब उसी को नैंड हम पढ़ेंगे या फिर से नॉर पढ़ेंगे जी। देखिए अगर यहाँ पे देखा जाए, तो मैंने बोला था कि नैंड में क्या है जी, नॉट है, एंड है। तो पहले एंड गेट लगा देते हैं। एंड गेट का सिंबल क्या है जी, ये है एंड गेट का सिंबल, ए क्या है, फिर से नॉट लगा दे देते हैं, तो क्या हो जाएगा, नैंड हो जाएगा। अब इस दोनों को कंबाइन करके हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं नैंड को जी, और का मतलब क्या है जी, एंड का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई वाला होना चाहिए। सिंबल याद रखिएगा नॉट का, नॉर का, नैंड का, क्योंकि सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन टॉपिक में भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। जब एक सिलेबस 3-4 जगह आ रहा है तो इसका मतलब क्या है जी, टॉपिक इंपॉर्टेंट है प्लीज। तो इसको सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे बोल रहा है कि नैंड है, इसमें नॉट लगा दी तो क्या हो जाए जी, ये एंड गेट है, ये मेरा क्या है, एंड है, और ये नॉट है। तो इसका नॉट ले लीजिए एन, और इसके आगे लगा दी तो क्या हो जाएगा, नैंड गेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नैंड गेट। तो एंड प्लस नॉट क्या हो जाएगा, नैंड गेट। अब इस दोनों को कंबाइन करके ऐसे लिख सकते हैं जी, ये केवल डॉट यहाँ पे बैठा गए, यहाँ बैठा देते हैं तो क्या हो जाएगा, नैंड गेट हो जाएगा। अब फिर से नैंड गेट के बारे में पढ़ लेते हैं जी, इसका क्या फंक्शन होता है, क्या नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे हमको ये समझना जरूरी है कि इनपुट आउटपुट में क्या फंक्शन होगा। सभी के लिए, एंड गेट के लिए पढ़ना है, बेसिक के लिए भी, और यूनिवर्सल गेट के लिए भी पढ़ना है। चलिए बात किया जाए कि अगर हमने आउटपुट में क्या पढ़ा था जी, हमारा नैंड नाम है, तो नैंड का मतलब क्या होता है, एंड प्लस नॉट। एंड का मतलब क्या होता है जी, मल्टीप्लाई, और उसके ऊपर क्या किया गया है, नॉट लगा दिया गया। दोनों को मल्टीप्लाई किया गया, उसके ऊपर नॉट लगा दिया गया है, ठीक है जी। अगर मैं इसको बताना चाहूँ, थोड़ा सा और सिंपल करना चाहूँ, तो आप देखिए वाई इजकल टू ए बी का बार अगर लिखा जाता है तो बुलियन अलजेब्रा में हो जाता है, दोनों को अगर स्प्लिट कर दीजिए और दोनों का गुणा की जगह क्या हो जाएगा, जोड़ हो जाएगा जी। दोनों का गुणा की जगह क्या हो जाएगा, जोड़ हो जाएगा। अब देखिए जी, ये ऊपर बार का मतलब क्या होता है, कम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, उसका उल्टा। देखिए अगर मान लीजिए हम 0 0 यहाँ से ले रहे हैं, तो ए को भी 0 लेंगे तो ए का बार प्लस 0 का बार बराबर क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1। तो वाई बराबर क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 क्या होगा जी, 1 होगा। 1 प्लस 1 क्या होता है, 1 होता है, देखिए 1 आ गया। ऐसे ही अगर मान लीजिए मैं वाई ए बार प्लस बी बार लेना है, तो ए की वैल्यू मैं क्या लेता हूँ, 0 लेता हूँ। यहाँ मैं क्या लिया हूँ जी, यहाँ मैं 0 0 लिया हूँ, यहाँ पे क्या लूँगा, 0 और 1 ले लूँगा। ये बराबर 0 का बार प्लस 1 का बार, तो क्या हो जाएगा जी, 0 का बार 1 प्लस 1 का बार 0, तो क्या हो जाएगा, 1 मिलेगा। तो आउटपुट क्या मिला हमको, 1 मिला। यहाँ से देख सकते हैं, ऐसा ही सॉल्व कर लीजिएगा चारों केस के लिए, सी के लिए भी, तीसरे केस के लिए भी, चौथे केस के लिए। यहाँ से देख सकते हैं
तीसरे केस में क्या हो जाएगा जी, इसी को मैं थोड़ा सा बना रहा हूँ। तीसरे केस में क्या लेना है, वन और जीरो लेना है। तो वन और जीरो ले लेंगे तो क्या मिलेगा, आउटपुट क्या मिलेगा जी, ए बार प्लस बी बार। देखिए अगर नहीं याद आए तो देखिए नैंड नाम है इसका, तो एंड का मतलब क्या होता है जी, मल्टीप्लाई, उसके ऊपर नॉट लगाइए तो क्या हो जाएगा, अब उसके बाद ई हो जाता है यहाँ से यहाँ। चलिए अब ए की वैल्यू हम क्या रख सकते हैं जी, नहीं तो क्या कीजिए, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कीजिए, वन मल्टीप्लाई जीरो ऊपर बार, तो क्या हो जाएगा जी, वन और जीरो मल्टीप्लाई जीरो, जीरो का बार क्या होता है वन, देखिए वन आ गया। ठीक है, चौथा वाला किस लेते हैं जी, वन कॉमा वन, वाई बराबर क्या हो जाएगा, नैंड, मतलब क्या हो जाएगा, दोनों का एंड में इस मल्टीप्लाई और ऊपर नॉट, तो क्या हो जाएगा नैंड, क्या हो जाएगा नैंड। मैं समझ रहा हूँ कि आप लोग को ये वीडियो बार बार देखना पड़ेगा, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉनिक्स बैकग्राउंड से होंगे भी, जो कंप्यूटर बैकग्राउंड से भी होंगे, उन्हें भी क्या होगा ये दिक्कत आ रही होगी। ठीक है जी, ये दिक्कत आ रही होगी, यहाँ समझिएगा। तीसरा केस में हमने क्या लिखा है, वन कॉमा जीरो लिया, तो वाई बराबर क्या है जी, ए बार प्लस बी बार, तो यहाँ से क्या मिला, वाई बराबर ए, देखिए ए बी का मतलब क्या होता है जी, एंड मिस मल्टीप्लाई होता है, उस पर नॉट लगा हुआ है, तो वन और जीरो लेना है सिंबल, तो वन डॉट जीरो लेंगे उसका बार, तो वन और जीरो का मल्टीप्लाई जीरो, अब बार का मतलब क्या होता है जी, उस पर वन हो जाएगा, वन कॉमा वन लेते हैं, देखिए तो वन मल्टीप्लाई वन उसको पर बार हो जाएगा, तो वन प्लस वन मल्टीप्लाई क्या होता है वन, का बार क्या हो जाएगा जीरो, तो आउटपुट क्या मिलेगा जी, जीरो। यहाँ से देख सकते हैं आप कि हमको ये जो नैंड गेट का हमने चारों इक्वेशन सॉल्व करके बताया है, अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा इस क्वेश्चन को देखिएगा, दोबारा समझिएगा, और जो जो मैं इसमें बता रहा हूँ उसको क्या कीजिएगा, पॉइंट वाइज याद कर लीजिएगा जी। ऐसे तो आपको ये डायरेक्ट इसको याद करना है, ये क्या है जी, ट्रुथ टेबल है, क्या है जी, ट्रुथ टेबल है, ये ट्रुथ टेबल से ही पूछा जाता है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, ये जो दिया गया है डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, तो प्लीज इसको ध्यान रखिएगा और डायरेक्ट क्वेश्चन इसको बनाने की कोशिश कीजिएगा। अब बात की जाए सर्किट डायग्राम की, तो इसका सर्किट, ये ट्रुथ टेबल है मेरा, ये मेरा क्या है सर्किट डायग्राम है, तो ट्रुथ टेबल हम हर जगह आपको समझाते आ रहे हैं, ये अब सर्किट डायग्राम इसका देखिए नैंड गेट का, तो नैंड गेट का क्या है जी, जब अगर दोनों क्या होगा वन रहे, जब दोनों वन रहेगा तो क्या हो जाएगा, बॉल नहीं जलेगा। देखिए जी अगर मान लीजिए दोनों ऑन है, इसका क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो गया, तो सर्किट किधर जाएगा, करंट इधर से इधर फ्लो हो जाएगा। अगर मान लीजिए एक भी सर्किट ओपन रहता है तो क्या हो जाएगा, एक भी सर्किट ओपन रहेगा तो ये सर्किट कंप्लीट नहीं होगा, तो करंट को किधर से जाना होगा, इधर से ही जाना होगा, इस बल्ब से ही जाना होगा जी। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि अगर एक भी स्विच ऑन है, एक भी स्विच ऑन रहेगा तो क्या हो जाएगा, बल्ब क्या होगा जी, जलेगा। तो एक भी स्विच अगर ऑन रहेगा तो सर्किट करंट किधर से जाएगा, इधर से जाएगा जी, या दोनों ऑन रहेगा तो भी क्या होगा, बल्ब जलेगा। अगर दोनों क्लोज हो जाएगा तो क्या हो जाएगा जी, आउटपुट क्या हो जाएगा हमारा, दोनों क्लोज हो जाएगा तो हमारा बल्ब नहीं जलेगा। तो यहाँ से समझ सकते हैं, ठीक है जी। तो बस आज के लिए इतना ही, और अगले दिन क्या करेंगे, नॉर गेट का हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।